बालाघाट जिले में लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच में जिला प्रशासन कर रहा है अतिक्रमण की कार्रवाई। तो वहीं जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से भयभीत है, इस प्राणघातक वायरस से बचने के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। जिले में कर्फ्यू जैसा माहौल है, बावजूद इसके जिले के हनुमान चौकी में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से जब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, ऐसे में जेसीबी चलाना कहां तक न्याय संगत है। यह बात प्रशासन भी भलीभांति जानती है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कार्रवाई की जा रही है। एक और बालाघाट में अगर देखा जाए तो प्रशासन शराब दुकान खोलकर शराबियों को घर से बाहर निकलने का न्योता दे रहा है और देश में लॉकडाउन की स्थिति है। तानाशाह कार्यप्रणाली यहां पर देखने को मिल रही है। आम आदमी खासा परेशान है। कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे समय में ये काम किया गया जिस समय कि लोगों को बोला जा रहा है कि घर के अंदर में रहो और उसी का फायदा उठाते हुए कलेक्टर और एसडीएम लोगों ने हनुमान चौक में जो कि कोई अतिक्रमण दुकान में नहीं रहे, छोटा सा पांडेला उसको और होटल को जबरदस्ती से तोड़ा गया, जिसमें लाखों रुपये का नुकसान कराया गया है और दारू की दुकान खुलवाई जा रही है, दारू की दुकान खुल रही है शहर के अंदर में और बोल रहे हैं कि लोगों को घर में रहो और लोगों को दारू पीने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। यह है कलेक्टर और हमारे एसडीएम का काम। आपका परिचय? मैं अजय चौरसिया, जो मेरी दुकान है, आज इसके पीछे रोजी रोटी चलती थी, आज इस दुकान को तोड़ा गया है, लाखों रुपए का मेरा नुकसान किया, यह कलेक्टर और एसडीएम ही भरेगा, मेरे घर पे लाके जाएगी। यहाँ पे जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, क्या आपको जानकारी दी गई थी? नहीं नहीं। आप जिस वक्त यहाँ पे अतिक्रमण का कार्रवाई चल रही थी, आप कहाँ थे? हम घर पे थे, फोन किए, किसी ने हमको बुलाया प्रशासन से। अब क्या हो गया अतिक्रमण कर रही है? ये जो हरियाणा जो नुकसान हमारा हुआ है उसको भरे वो, और ये कौन सा नियम है, कौन सा कागज है कि जब प्रशासन है पहले बोलते घर के अंदर और अतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पे आके।